नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी मैं हूँ ऋषिकेश में। आपको मेरे पीछे ये राम झूला नजर आ रहा होगा। और आज के इस वीडियो में मैं आपको लेकर के चलूंगा ऋषिकेश से दिल्ली तक बाय रोड। और इस जर्नी में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ऋषिकेश से दिल्ली बाय रोड जा रहे हैं तो क्या आपको खाने पीने के ऑप्शंस मिलेंगे, किस तरीके की रोड कंडीशंस हैं और कितने रुपए के आपको टोल पे करने पड़ेंगे, सारा कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो लेते हैं एक बारी माँ गंगा का नाम और अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। जय माँ गंगे। तो दोस्तों, ऋषिकेश से दिल्ली तक की जो जर्नी है वो है करीब 263 किलोमीटर की, जिसके लिए जो गूगल मैप पे अभी टाइम दिखा रहा है वो दिखा रहा है 5 घंटे 33 मिनट। बाकी इससे ज़्यादा टाइम ही लगेगा क्योंकि रास्ते में हम थोड़ा सा रुकते रुकाते जाएंगे, आपको भी दिखाएंगे खाने पीने के ऑप्शन हैं तो थोड़े से रुकते हुए चलेंगे। बाकी जैसा भी रहता है रोड की कंडीशन, टोल प्राइजेस, सारा कुछ आपको इस वीडियो में मैं बताता हुआ चलूँगा। और दोस्तों, ऋषिकेश के अंदर आपको ट्रैफिक जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही मिलता है। आज तो फिर भी मंडे है तो आप देख सकते हैं ट्रैफिक जो है वो थोड़ा सा कम है, अदरवाइज अगर आप वीकेंड्स पे आते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा। तो इस चीज़ को एक्सपेक्ट करके चलें कि ऋषिकेश से निकलने में आपको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। दोस्तों, अभी करीब हमने 10 किलोमीटर की जर्नी जो है वो कंप्लीट करी है और आप देख सकते हैं 10 किलोमीटर बाद ही हम फंस गए हैं कितने भयंकर जाम में। और ये पिछले 10 मिनट से हम इस जाम में फंसे हुए हैं। अब गूगल मैप के अकॉर्डिंग हमारे को लेफ्ट लेना है, लक्कड़घाट रोड पड़ती है जहाँ से हमें लेफ्ट लेना है, लेकिन वहाँ तक ही हम पहुँच नहीं पा रहे हैं। बाकी ये है कि इस रोड पर अगर हम आगे तक का भी देखें तो सारा जाम दिखा रहा है, आई डोंट नो किस वजह से जाम दिखा रहा था ज़्यादा। बाकी एक बजे हम यहाँ से एग्जिट लेते हैं, लक्कड़घाट रोड की तरफ से एग्जिट लेकर के फिर ऋषिकेश से एग्जिट करके फिर आपसे दोबारा मिलते हैं। तो करीब अभी बज चुके हैं शाम के 5:30 और लास्ट जब मैंने आपको बताया था करीब 1 घंटे पहले हम इस जाम में फंसे थे और आप देख सकते हैं अभी भी हम इसी जाम में फंसे हुए हैं। लगभग हम भी अभी 1 घंटे के अंदर 1 किलोमीटर से भी कम हमारी गाड़ी जो है वो आगे बढ़ पाई है। बाकी अगर आप कभी भी ऋषिकेश से दिल्ली शाम के वक्त में निकल रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। आप कोशिश कीजिए या तो आप अर्ली मॉर्निंग निकल जाएँ या फिर आप थोड़ा सा लेट निकलें, क्योंकि अभी लोकल से भी यहाँ पे पता किया, वो बोल रहे हैं कि इस जगह पर इसी तरीके का जाम रहता है शाम के वक्त में, तो अवॉइड करें इस समय में यहाँ से निकलना। तो दोस्तों, करीब 1.25 घंटे के जाम में फंसने के बाद अब हम फाइनली टच कर गए हैं NH 34 पे। और यहाँ से अब जो दिल्ली की दूरी रह जाती है वो है 213 किलोमीटर। बहुत ही भयंकर जाम में हम फंसे थे और जाम का कारण कुछ नहीं था, एक छोटा सा कारण था कि वहाँ पर जब आप ऋषिकेश से हाईवे की तरफ जा रहे होंगे तो बीच में एक फाटक आता है, उस फाटक के पास जो सड़क है वो बहुत ज़्यादा पतली हुई थी जिसकी वजह से वो जाम लगता है और वो रोज़ ही लगता है। तो बाकी ये है कि 1.25 घंटे बाद हम फाइनली निकल गए हैं और अब अच्छा लग रहा है ऐसी सड़क देख के दोबारा से। बाकी आगे जैसा भी रहता है, आपको जो भी टोल आता है वो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको देता हुआ चलूंगा। दोस्तों, अभी हमने जस्ट क्रॉस किया है हरिद्वार और अब यहाँ से जो लगभग दिल्ली की दूरी रह जाती है वो रह जाती है 210 किलोमीटर के आसपास और हमारे घर की जो दूरी दिखा रहा है वो 235 किलोमीटर के आसपास दिखा रहा है। बाकी अब जो है अब आप देख सकते हैं हाईवे जो है वो बहुत ही स्मूथ हाईवे चल रहा है, रोड्स जो है वो काफ़ी बढ़िया रोड बनी हुई है। आई गेस ये 6 लेन सड़क है दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा रोड कंडीशन है। बाकी अब देखते हैं आगे चल के कहाँ पर हमारे को टोल मिलता है और आपको भी अपडेट करते हैं। तो दोस्तों, हरिद्वार क्रॉस करने के बाद करीब 15 किलोमीटर बाद, 15 से 20 किलोमीटर बाद आ गया हमारी जर्नी का पहला टोल
और इस टोल प्लाजा का जो नाम है वो मैं अभी आपको स्क्रीन पे अपडेट कर दूंगा, और यहाँ पर कितने चार्जेस लगते हैं ये भी मैं स्क्रीन पे अपडेट कर दूंगा। टोल क्रॉस करने के बाद करीब 5-10 किलोमीटर के बाद आपको थोड़ा सा रोड जो है वो खराब मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ आई गेस फ्लाईओवर का काम चल रहा है, जिसकी वजह से जो रोड है वो थोड़ी सी अच्छी कंडीशन में नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक है, बाकी अब देखते हैं कितनी दूर तक ये ट्रैफिक रहता है और उसके बाद की रोड की कंडीशन किस तरीके की रहती है। दोस्तों अब यहाँ से जो दिल्ली का डिस्टेंस रह गया है वो रह गया है लगभग 160 किलोमीटर, और आप देख सकते हैं जो रोड की कंडीशन है वो रोड की कंडीशन बहुत ही बढ़िया चल रही है अभी भी। टू लेन सड़क है एक साइड पे, बाकी यहाँ पे खाने पीने के ऑप्शंस जो है रास्ते में काफ़ी सारे आ चुके हैं। हम अभी देख रहे हैं थोड़ी सी आगे जा करके कोई हमारे को अगर बढ़िया सा ऑप्शन मिलता है तो वहाँ पर फिर हम थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, स्ट्रेचिंग ब्रेक लेंगे और आपको भी दिखाते हैं कि हम कहाँ पर रुकते हैं रास्ते में। दोस्तों अभी बच चुके हैं करीब 7 और ये आ गया है हमारी जर्नी का दूसरा टोल प्लाजा। अभी जो मुजफ्फरनगर है अभी हम पहुंचे नहीं है, उससे पहले का है टोल प्लाजा है, और इस टोल पे जो आपके चार्जेस लगते हैं वो लगते हैं 50 रुपीज वन साइड के। दोस्तों करीब रात के 8 बज चुके हैं और हम लोग रुके हैं अपने पहले स्ट्रेचिंग ब्रेक के लिए। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आपको ये दिख रहा होगा गरम धरम करके एक रेस्टोरेंट एरिया है जहाँ पर हम रुके हैं। यहाँ पर कुछ खाते पीते हैं, ये हमारा पहला स्ट्रेचिंग ब्रेक है और उसके बाद फिर आगे के लिए चलते हैं। अब यहाँ से जो हमारी जर्नी बची है वो लगभग 100 किलोमीटर के आसपास बची है, जिसके लिए आई गेस 2 घंटे के आसपास का समय लगना चाहिए। तो चलिए अंदर चलते हैं, कुछ खाते हैं और फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं करीब 8:30 और जहाँ पर हमने पहला स्ट्रेचिंग ब्रेक लिया था वहाँ से हम आगे के लिए निकल चुके हैं। अगर मैं वहाँ की बात करूँ तो वहाँ पर हमने खाने में कुछ डोसा ऑर्डर किया था, मसाला डोसा ऑर्डर किया था और चाय ऑर्डर की थी। तो जो खाना था वो तो वहाँ पर पर्सनली पसंद नहीं आया, लेकिन जो चाय थी वो अच्छी थी। तो अगर आप इस रास्ते पर हैं और आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं, अगर आप चाय पीने के लिए रुकना चाहते हैं तो आप रुक सकते हैं, अदरवाइज़ मैं आपको खाने पीने के लिए यहाँ पर रिकमेंड नहीं करूँगा। खाना पीना जो था वो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया वहाँ का। अब यहाँ से जो दिल्ली का डिस्टेंस रह गया है वो लगभग 80-85 किलोमीटर के आसपास रह गया, और आई गेस 2 टोल अभी रास्ते में पड़ेंगे। अभी देखते हैं कौन कौन से टोल पड़ते हैं और आपको वीडियो में अपडेट करते हैं। तो दोस्तों ये आ गया है हमारी जर्नी का तीसरा टोल और ये वेस्टर्न यूपी टोल प्लाजा है, और इस टोल पे जो आपके चार्जेस लगेंगे वो लगेंगे 110 रुपए। तो अभी तक बेसिकली 3 टोल आ गए हैं, अब इसके बाद शायद 1 टोल और पड़ना चाहिए, देखते हैं बाकी जैसा भी रहेगा आपको अपडेट करते हैं। दोस्तों ये आप देख सकते हैं हम फाइनली एंटर कर रहे हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे, और ठीक सामने जो है हमारी जर्नी का आ गया है चौथा और आखिरी टोल, और इस टोल प्लाजा पे जो चार्जेस लगते हैं वो लगते हैं 160 रुपये। बाकी जो एग्जैक्ट चार्जेस होंगे वो मैं आपको स्क्रीन पे अपडेट कर दूंगा। और ये हमारी जर्नी का चौथा और आखिरी टोल रहने वाला है, इसके बाद अब और कोई टोल नहीं पड़ेगा। बाकी अगर बाकी आगे आपको दिखाते हैं कि किस तरीके की रोड कंडीशन रहने वाली है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की।
दोस्तों ये हम फाइनली एंटर कर चुके हैं दिल्ली में और अभी टाइम हो रहा है एग्जैक्ट 10 बजे। हमने जो अपनी ये जर्नी स्टार्ट करी थी वो 4 बजे के करीब स्टार्ट करी थी और आपने देखा कि हम कितने ज़्यादा ट्रैफिक में फंस गए थे। 1 घंटा तो हमारा ट्रैफिक में ही ख़राब हो गया और बीच में हम आधे घंटे के लिए एक ब्रेक भी लिया हमने, तो उसके बावजूद भी हम 10 बजे जो है वो दिल्ली पहुँच गए हैं। और जो रास्ते की कंडीशन है वो आपने देखी है, रास्ते की कंडीशन एकदम बढ़िया है, रोड्स वगैरह सारी बढ़िया हैं। और उसके अलावा जो टोल हमारे को पड़े हैं वो इन टोटल 4 टोल पड़े हैं, जिसका ब्रेकअप मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो के अंदर दे दिया है कि किस टोल पे आपको कितने प्राइस पे करने पड़ेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरीके की और भी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। तो मिलता हूँ दोस्तों मैं आपसे बहुत जल्दी किसी नेक्स्ट बढ़िया से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।